धर्मशाला में नगर निगम की आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वार्डों के पार्षदों ने भाग लिया व अपने अपने वार्ड में पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए भी आवाज बुलंद की। इस मौके पर नगर निगम के महापौर ओंकार नेहरिया ने कहा, आज नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्षदों ने वार्ड में जो भी डेवलपमेंट का काम है, जो काम अधूरे पड़े हैं, उन पर चर्चा की गई। इसी के साथ इस बैठक में विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया और सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। ओंकार सिंह नेहरिया ने कहा, आज जो मीटिंग हुई है उसमें सब पार्षदों ने अपना अपना जो भी डेवलपमेंट का काम है या जो भी रुके हुए काम है उसके लिए बात की है, और साथ ही सभी विभाग आए थे। मैं बिजली पानी और जो भी हमारे से रिलेटेड है सभी विभाग आए हुए थे। सबसे अपने अपने जो मुद्दे उन्होंने डिस्कस की, जो जो प्रॉब्लम है, जैसे कि सीवरेज की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, अपने पीडब्ल्यूडी की तरफ से प्रॉब्लम है, तो सभी ने अपना अपना पक्ष रखा जी। अहम मुद्दे तो आपको पता है, अभी जो काफ़ी बारिश इस एरिया बारिश हुई है उसके तहत काफ़ी नुकसान हुआ हमारे एरिए में। उसके लिए जो नगर निगम ने 4 करोड़ के जो काम सेंक्शन किए थे उससे 2 करोड़ के काम, हर वार्ड में 3-3, 4-4 काम जो है वो प्रॉपर्टी पे लगाए हैं, और जो आगे बचे हुए काम है वो उससे इसके बाद दूसरे उसमें स्पेल में लगेंगे जी। मैंने पहले हर पार्षद ने अपने अपने वार्ड से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब ने बताई है कि हमारे वार्ड में पानी नहीं आता, किसी के पानी की आता लेकिन ठीक तरीके से नहीं आता या छोड़ने की व्यवस्था ठीक नहीं, तो वो सब ने अपना जो है वो अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई है। और साथ ही जो लीकिंग है वो तो पूरे शहर में जो काफ़ी ज़्यादा पानी की लीकिंग है। देखो जी, सीवरेज का जो ऐसा हमारा सिस्टम था, जो आज से 15 साल पहले सीवरेज पड़ी थी वो थोड़ी सी उसकी जो लाइन है, पाइप है जो, वो छोटी है। अब हम सोचते हैं कि अगर इसकी जो पाइपें हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, और यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा होती है अंडरग्राउंड में, जो इसके कहीं पर ढक्कन खुले हो तो उससे भी पानी में इसमें अंदर बजरी या वो चला जाता कोई किसी प्रकार का गंध, तो सीवरेज जो चौक हो जाती है। MC के अंडर नहीं है, ये है IPH के अंडर है, जल शक्ति विभाग के अंडर है, लेकिन फिर भी नगर निगम जो है इसके ऊपर काम जो करवाती है। जैसे मौसम ख़राब हो गया, चाहे 6 महीने यहाँ पर बारिश रही तो कुछ काम जो रह गए वो दोबारा हो जाएंगे। देखिए, वो मेरे को पता कहाँ पर ख़राब है, उसको बहुत ही जल्दी हम उस डंगे की जो भराई है वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, वो अभी जो बारिश में डंगा गिर गया था उसको हमने लगा दिया है, लेकिन उसके बीच में जो भरा जाना कंक्रीट जो भरी जानी है वो भर जाएगी बहुत जल्दी। दिव्य हिमाचल TV के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।